हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसके वर्सेस राजस्थान के बीच में जो 16 मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं, वहीं पर चेन्नई ने 3 मैच खेल के 2 मैच विन किया है और राजस्थान ने 4 मैच खेल के जो है 2 मैच विन किया है। तो दोनों की विनिंग परसेंटेज जो है चेन्नई की ज़्यादा है और चेन्नई बहुत ही अच्छे फॉर्म में देख रहे हैं और उन्होंने सारे मैच जो हैं लास्ट ओवर में जीते हैं और लास्ट ओवर में यानी हारे भी हैं। तो बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट से खेल रही है, लेकिन ज़्यादातर मैच में वो लोग ऐसा ही दिख रहा था फर्स्ट इनिंग के शुरुआत से लेके 15 ओवर तक कि चेन्नई मैच हार जाएगी। तो बहुत ही अच्छी कमबैक कर रही है, इसका मतलब उनका जो लोअर डाउन द ऑर्डर है जिसे हम मिडिल ऑर्डर भी कहते हैं, उन लोगों का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा रहा है। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो अभी तक का टूर्नामेंट रहा था है वो अराउंड आप कह सकते हो 50-50, 4 में से 2 जीते हैं जो 2 हारे हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी वरी जो चीज़ है वो है डार्सी शॉ और बेन स्टोक जो है फायर नहीं कर रहे हैं और उनके जो मेन बॉलर हैं जयदेव उनादकट और धवल कुलकर्णी वो लोग भी जो है विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद ड्रीम इलेवन टीम के हम लोग बात करेंगे। तो पिच कुछ इस तरह का होने वाला है। तो ये मैच जो है पुणे में हो रहा है लेकिन चेन्नई यानी चेन्नई स्वामी स्टेडियम में नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ दंगे के लिए जो है मैच को चेन्नई सुपर किंग के होम ग्राउंड को शिफ्ट किया गया है पुणे में। तो इसलिए अब से जो सारे मैच जो है पुणे की जो होम में होती है यानी चेन्नई स्वामी स्टेडियम में होता था वो अब पुणे में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिच में थोड़ी बहुत ग्रास है जिससे क्या होता है पिच को थोड़ा बिखर नहीं जाता, पिच जो है फट जाता है तो फटता, पिच स्ट्रांग रहता है, बॉल अच्छे तरीके से बैट में आता है। लेकिन वहीं पे अगर ज़्यादा घास हो तो क्या होता है बॉलिंग के लिए मदद होता है, बॉल सीम होता है और स्विंग भी होता है। तो अगर इससे पहले पिच रिपोर्ट की हम बात छोड़ दें और अगर हम लोग आगे की पिच देखते हैं पुणे में किस तरह का पिच होता है तो पिच में थोड़ी बहुत जो है स्पिनर को मदद ज़रूर मिलता है। हालांकि अगर ज़्यादा घास छोड़ेंगे तो स्पिनर को उतना ज़्यादा मदद नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं पे जो है कोच ने बताया है कि सिर्फ जो है पिच को पकड़ने के लिए, अदरवाइज स्विमर्स के लिए उतना मदद नहीं होगा ऐसा मानना है। तो फ्रेंड हम लोग बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो कन्फर्म प्लेइंग 11 लगभग सीएसके का कन्फर्म ही है बिकॉज रायना जो है रिकवर नहीं हुए हैं तो एक दो मैच और भी जो है देखना पड़ेगा। वहीं पे जो है ज़्यादा अगर सेमी विकेट आया तो यहाँ पे जो है ताहिर की जगह विली या फिर इंगिडी को खिलाया जा सकता है। वहीं पे जो बाकी प्लेइंग 11 है और लगभग सेम हो सकता है, मुझे लगता है दीपक चहर को एक और मौका मिल सकता है या फिर जो है करण शर्मा भी जो है वापस आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा वरी की बात है क्योंकि डार्सी टॉट ने पिछले मैच में रन तो किया था लेकिन केकेआर के खिलाफ उतना जो है फ्री फ्लोइंग नहीं लग रहे थे, स्पिनर को पिक नहीं कर पा रहे थे। तो ये थोड़ी बहुत वरी की बात हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और हो सकता है जो कि राजस्थान कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो राहुल त्रिपाठी के साथ अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर सकते हैं और हेंग निकलस इनको नंबर 3 पे बैटिंग करा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है जॉस बटलर जो है ओपनिंग कर सकते हैं और डार्सी शॉ जो है नंबर 3 पे खेले। अगर वो नंबर 3 पे खेलते हैं तो स्पिनर को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा तो फिर से मुश्किल होगी। लेकिन प्रीवियस मैच में हालांकि उन्होंने 40 और रन किया था तो शायद उसे एक और मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा जो है बेन लाउथिंग ने पिछले एक दो मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन उसके बाद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो यहाँ पे जॉफ रायन के खेलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। वहीं पे फास्ट बॉलर की जो कि मैं बात कर रहा हूँ जयदेव उनादकट और धवल कुलकर्णी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, जयदेव उनादकट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि धवल कुलकर्णी की जगह जो है स्टुड बिनी या फिर अंकित शर्मा को मौका दिया जा सकता है। तो यही कुछ प्लेइंग 11 पॉसिबल हो, लेकिन आप जब स्मॉल लीग खेलेंगे
तो आप सेफ टीम के साथ जाइए, ग्रैंड लीग खेलेंगे तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस बार हम लोग बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, जो कि आपको बहुत ही अच्छा विन करवा सकती है। तो फ्रेंड टीम मैंने बहुत सेफ बनाया है, लेकिन आपको मैं जो रिस्क ऑप्शन दे दूँगा, ठीक है, सेफ ऑप्शन आपके लिए MS धोनी रहेंगे, रिस्की नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं तो आपके लिए उतना अच्छा पॉइंट नहीं दिला सकते हैं, लेकिन वहीं पे ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जॉर्ज बटलर। उसके बाद बैटिंग पे आपके उतना चॉइसेस नहीं है, तो यहाँ पे अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन, अंबाति रायडू और मैंने यहाँ पे सेम बिलिंग को लिया है, तो मुरली विजय के साथ जा सकते हो। वहीं पर दासेश और राहुल त्रिपाठी है, और राहुल त्रिपाठी आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं पे बेन स्टोक्स, एम वॉटसन और रविंद्र जडेजा को मैंने लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर ड्वेन ब्रावो को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट मेंटेन के लिए मुझे जो है रविंद्र जडेजा के साथ जाना पड़ा है। वहीं पर अगर हम लोग बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर जयदीप उनादकट आपके लिए सेफ ऑप्शन होंगे, और विकेट टेकिंग बॉलर है, हालांकि उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, तो आपके लिए ग्रैंड लीग में एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं पर सेफ जाने के लिए आप रविजन को पिक कर सकते हैं। इमरान ताहिर के खेलने के चांसेस मेरे हिसाब से हाई है, क्योंकि एक विकेट टेकिंग बॉलर है तो इसे मौका मिल सकता है। वहीं पर सरदुल ठाकुर जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे बॉलर है, और यहाँ पे मैंने जैसे कि पिच जो स्पिनर को ज़्यादा मदद कर दी, इसलिए मैंने दो स्पिनर के साथ गया हूँ। उसके बाद मैंने रविंद्र जडेजा को भी लिया है, तो तीन स्पिनर टोटल हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने राजस्थान की तरफ से श्रेयस गोपाल को लिया है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने यहाँ पे जो है सेम ऑप्शन को कैप्टन एंड बेन स्टोक को वाइस कैप्टन लिया है सेफ जाने के लिए। आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो, यानी आप 6 या 7 मेंबर के साथ खेल रहे हो, तो संजू सैमसन एंड अंबाति रायडू बहुत ही अच्छा आपके लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार प्लेयर की, जो कि आपको बहुत ही अच्छा विन करा सकते हैं। आप इसकी जगह जो है बटलर को ले सकते हैं और उसे कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं ग्रैंड लीग में। वहीं पर संजू सैमसन, अंबाति रायडू मेरे लिए नंबर 2 और 3 पे रहेंगे, और जो नंबर 4 मेरे लिए जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वो है अजिंक्य रहाणे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे बहुत ही अच्छे टच में लिख रहे हैं। एक और अच्छा ओपनर अगर उनके साथ आ गया तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इनसाइड आउट आप चाहें तो दासी शॉट को भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।